मैं फरहान और आप इंडियन मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं। आज बात करूंगा अर्थव्यवस्था के बारे में, जो करंट स्टेटस है और इंडियन इकोनॉमी का, उसके बारे में कि कैसा होगा और क्या हो रहा है। उसके लिए हमारे साथ हैं सैफ अहमद साहब से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो उतार और चढ़ाव है, इसमें आगे क्या होगा। सैफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन मीडिया के स्टूडियो में आने के लिए। ये पहले बताइए कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? फरहान भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। पढ़ाई तो मैंने यहाँ स्कूलिंग वगैरह बेंगलोर में ही जी, की जी। लेकिन मैंने इकोनॉमिक्स का शौक था मुझे। अच्छा। स्पेशली बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट, तो उसकी पढ़ाई मैं, क्योंकि उस वक्त बेंगलोर में नहीं था यहाँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स जी, और शायद अभी तक भी नहीं है, तो मैं I got a chance to pursue it in the US. अच्छा। In a good college. तो मैं वहाँ पे मेरी bachelor's economics में major किया मैंने US में जी, और London School of Economics से भी मैंने एक साल पढ़ा है। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह, it was a great experience. तो उसके बाद आपका पहला जॉब वॉल स्ट्रीट, जो न्यूयॉर्क में। अच्छा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मैंने एक्सपीरियंस हासिल की। कितने दिन की? तकरीबन 2 साल एनालिस्ट प्रोग्राम। ओके। वो अच्छी काफ़ी ट्रेनिंग होती है वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। अच्छा। काफ़ी सब समझ में आता है, मार्केट्स क्या है, मर्जर्स एक्विजिशंस क्या है, बैंकिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट्स क्या है। तो उसके बाद आप मिडिल ईस्ट भी गए? जी, मिडिल ईस्ट में मैं फिर, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस्लामिक बैंकिंग में आ गया था, क्योंकि एज अ मुस्लिम यू नो यू वॉन्ट टू बी शरिया कंप्लायंट, एंड तो मुझे ये सेक्टर में मालूमात हासिल करना था। तो जाहिर बात है, दुनिया का हेडक्वार्टर्स इस्लामिक बैंकिंग के लिए मिडिल ईस्ट है, स्पेशली गल्फ कंट्रीज़। तो मैं वहाँ पे 8 साल था तकरीबन। ठीक है। तो आपके जो एक्सपीरियंस और आपके एजुकेशन का थोड़ा फ़ायदा हम और हमारे व्यूवर्स उठाने की कोशिश करेंगे। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वर्तमान स्थिति में, अभी के सिचुएशन में जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये एक की रीज़न बताइए, क्या की रीज़न है जिससे भारत का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है नीचे गिर रहा है और GDP आके रुकी 5% पे? ये क्वेश्चन काफ़ी यानी वाइड है, वास्ट है, बट इसकी फेयर यानी एक तकरीबन सब लोगों का यही जो है व्यू है कि इतना ख़राब जो है सिचुएशन इकनॉमी का, जो लोग मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और सीनियर है, वो भी कहते हैं कि वी हैव नेवर सीन सच सिचुएशन फॉर लास्ट 30-40 ईयर्स जी। कि स्लोडाउन आ चुका है पहले, जैसे मिड अर्ली 90s में भी एक स्लोडाउन था, हर्षद मेहता स्कैम हुआ, फिर आपको मिड 90s में भी रियल इस्टेट सेक्टर में स्लोडाउन था काफ़ी, फिर 99 बूम ईयर था, 2001 में भी .com क्रैश जो हुआ था उसमें भी कुछ स्लोडाउन था, स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट्स में, फिर आपको मेजर क्रैश हुआ था 2008 में लीमन ब्रदर्स क्राइसिस में, पूरे दुनिया में असर पड़ा उसका, इंडिया में भी पड़ा। लेकिन इतना जो स्लोडाउन क्या है, ये सब रिलेटेड है परसेप्शन से जी। असल मसला ये है कि फोरकास्ट क्या है, लोग का हाउ आर दे फीलिंग, परसेप्शन क्या है कि आगे क्या होने वाला है, ये काफ़ी यानी गंभीर है इसकी। अच्छा। इसका लेवल ये बात पे, यू नो दिस इज द वरिंग फैक्टर कि द पीपल्स व्यू ऑफ द इकोनॉमी गोइंग फॉरवर्ड इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव, और वो हम देख रहे नंबर्स, GDP ग्रोथ 5% पे आ गया है, विच वॉज अनइमेजिनेबल। इंडिया को तो 9-10% करना चाहिए अगर हमें अपने टारगेट्स को अचीव करना है। जैसे तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगले 5 साल में $5 trillion इकॉनमी होगी, तो इसके लिए वी हैव टू ग्रो मिनिमम 9-10% पर ईयर। 5% तो बहुत ख़राब है। वी आर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन कंट्री, और हमारे जो है यंगस्टर्स आर कमिंग इन टू द जॉब मार्केट, दे नीड टू क्रिएट सो मेनी जॉब्स। तो ये सारी चीज यू नो कि लुकिंग एट द सीरियस सिचुएशन, द गवर्नमेंट इज एक्टिंग एंड दे आर टेकिंग सम स्टेप्स। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये स्टेप्स काफ़ी हैं? व्हाट द फाइनेंस मिनिस्टर जो रिसेंट मंथ में कंटिन्यूस हर वीक आपको कुछ ना कुछ न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव्स आ रहे हैं और आगे भी कह रहे हैं कि और होगा। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो बजट आया था इट वॉज नॉट वेल रिसीव्ड, द फाइनेंशियल मार्केट्स भी बहुत नीचे हो गए, और जनरल जो इकोनॉमिक सेक्टर है ना, एक तरह से ग्लूम है, मायूसी है। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लें, वहाँ पे भी जॉब लॉसेस हो रहे हैं, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया में जो प्लांट्स हैं, कई वर्कर्स को फैक्ट्री बंद हो रही हैं, मतलब बंद हो रहे हैं, उनकी वर्किंग डे कम किए जा रहे हैं। हाँ, वही, और एंड पीपल आर विदाउट अ जॉब।
और हर सेक्टर में एक्सपोर्ट सेक्टर भी डाउन है। रीजन क्या है कि सडनली आप ये बताइए कि लोग क्या गाड़ी खरीदना बंद कर दिए जी, रीजन क्या हुआ इसका? रीजन देखो, क्या उनके पास पैसा नहीं है जी? ये सारी चीजें, सारे सवालों का जवाब इकोनॉमिक्स में मिलेगा। ये एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स ही हर चीज की जो है फाइनेंस को गाइड करता है, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, एक साइंस है। तो इकोनॉमिक्स में इनकम जो है ना, वेदर आपकी जाती इनकम है या कंट्री की इनकम है या आप GDP है, तो इनकम है जी। इनकम के फैक्टर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कंजम्पशन, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, तीसरा होता है ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स। ओके, तो कंजम्पशन जो है ना, ये बहुत की फैक्टर है। और जो आप सेविंग करेंगे उससे आप कंजम्पशन करेंगे और उससे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इंडिया हमेशा से, शुरू से कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी था। इंडिया की मेन वैल्यू क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा कंजम्पशन होता है, क्योंकि हमारी आबादी इतनी बड़ी है और यू नो डोमेस्टिक कंजम्पशन इज सो हाई दैट कंज्यूमर गुड्स कंपनीज दे हैव ऑलवेज डन वेल हियर। और यहाँ के लोग, वी हैव सच अ बिग पॉपुलेशन, वी हैव टू कंज्यूम, ये कम हो चुका है, ये कम हुआ। आपने रिपोर्ट पढ़ा होगा कि पाले जी कंपनी ने भी ये कमेंट दिया है कि बिस्किट कंजम्पशन भी कम हो गया, यानी बिस्किट जो 5 रुपए वाली आइटम है वो भी लोग आज सोच रहे हैं कि खरीदना है। तो ये क्लियर कट ये कहा जा सकता है कि हर सेक्टर में, हर इनकम के ग्रुप में लोगों का जो आमदनी था वो कम हो रहा है। दैट इज अ रीजन कि कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, जैसे प्रमोशन और इंक्रीमेंट शायद वो कम हो गया है ना, ये सब नंबर्स। ये तो एक नंबर है जो कि आप बात कर रहे हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, लेकिन बेसिकली जो इनफॉर्मल इकोनॉमी, हाँ वो बात है जो मेजर भी नहीं होता। देखो ये सारी चीजें का लिंक शायद आप डीमोनेटाइजेशन से भी कर सकते हैं और GST से भी, जिस लॉट ऑफ पीपल आर कमेंटिंग कि डीमोनेटाइजेशन का असर शायद अब पता चल रहा है कि कैश इकोनॉमी को जो धक्का पड़ा है, इनफॉर्मल इंडिया इज लार्जली कैश बेस्ड इकोनॉमी, तो शायद उसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। और GST भी उसमें काफ़ी ग्लिचेस हैं, काफ़ी यानी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक आयन आउट नहीं हुए हैं, और गवर्नमेंट कोशिश में है कि वो सीमलेस प्रोसेस हो, लोगों को क्रेडिट वापस जल्दी मिले। एक्सपोर्टर्स बहुत परेशान हैं कि उनका पैसा काफ़ी ब्लॉक हुआ है GST में वगैरह। लेकिन सी इट इज़ नॉट सो मच कि आमदनी कम हो चुकी या अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वो फैक्टर है जो नंबर्स आए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। बट ये परसेप्शन, अभी मैं फिर वही बात करता हूँ कि लोग के पास पैसा है लेकिन वो खर्च करना नहीं चाह रहे। नहीं ठीक है, आपने बात किया कि ठीक है, ये हो सकता है कि ऑटोमोबाइल वही लोग ज़्यादा खरीदते हैं जिनके पास पैसा है। हाँ, जैसे हर 2 साल जो गाड़ी बदलते थे, शायद वो अब नहीं करेंगे। वो ये सोच रहे हैं कि चलो सिचुएशन अच्छा नहीं होगा, उसके वजह से पैसा रोक के रखे हैं, देख के सिचुएशन काम करते हैं। बट पाले जी के बिस्किट के सेल्स कम होना ये समझ में आया नहीं। इसके लिए मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो कैश फ्लो था जो नीचर तबके में, लेबर क्लास में, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी पड़ा कि कंस्ट्रक्शन बहुत कम हो गया। तो आप देखेंगे कि लेबर क्लास का जो तबका है, काफ़ी हद तक वो तबका को हर रोज का काम नहीं मिल रहा है जी, जी। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और वो तादाद करोड़ों में जी, और वैसे लोग हैं जो पार्ले जी कंज्यूम करते हैं। बेशक आई मीन हर तबका कंज्यूम करता है, लेकिन ऑन एन एग्रीगेट बेसिस इंडिया का रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है। और नहीं, ये गाड़ी हर रोज हर साल चेंज करने वाला पार्ले जी डेफिनेटली नहीं खाता होगा। जी, जी। लेकिन पार्ले जी इसलिए मैं खास कर बोला कि पार्ले जी का इम्पैक्ट होने का मतलब है। तो ये दूसरे फैक्टर है ना, जैसे इनकम में मैंने कहा कि कंजम्पशन है, देन इन्वेस्टमेंट भी एक कॉम्पोनेंट है, और इन्वेस्टमेंट आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट है जो एक्सपेंडिचर करता है गवर्नमेंट इन सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी कम हो चुका है। गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करना चाहिए वो नहीं कर रहा, एंड नाउ दे हैव टू, दैट्स व्हाट वन ऑफ द जो सजेशंस है कि गवर्नमेंट ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करे। अभी जो उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में जो जिसका यानी कम की है कॉर्पोरेट टैक्स को, शायद वही अमाउंट वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा देते तो ये लोग, क्या लगता है कॉर्पोरेट टैक्स कम करने से कुछ फायदा नहीं? फायदा तो होगा डेफिनेटली, क्यों कंपनीज को, बड़े जो कंपनीज है वो खुश हैं, और स्टॉक मार्केट ने भी उसमें, स्टॉक मार्केट तो एक अलग चीज़ है बट वो भी इसको अप्रिशिएट किया है। डेफिनेटली द प्रॉफिट्स विल गो अप फॉर दीज कंपनीज, लेकिन जो आप डिमांड को बूस्ट करना इंडिया में, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो कम हो चुका है, लोग कंज्यूम नहीं कर रहे, तो शायद वही अगर वो पैसा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाते और लोगों को और जो क्रेडिट को बूस्ट करती इकोनॉमी में, तो लोग को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता, रियल एस्टेट भी फिर
लेकिन गवर्नमेंट पर पैसा कहाँ है? आप देखिए, अब तो आरबीआई से पैसा लेके कितना इन्वेस्ट करेंगे आप? नहीं, पैसा तो उनका एक बजट होता है। आप एक प्लान कर लिए कि मेरे को इतना खर्चा करना है, लेकिन उतना खर्चा करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। जाहिर बात है, तो आरबीआई से वो जो एक ट्रांसफर हुआ था, और आरबीआई भी यू नो आप क्वांटिटेटिव ईजिंग करें, रोन नोट छापे तो आपको पैसा आ जाएगा। बट और गवर्नमेंट का नोट नहीं, नोट छाप थोड़ी सकते हैं, ये नहीं है कम हुआ तो नोट छाप लीजिए। हर एक एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, तो अगर आप नोट छापेंगे तो जाहिर बात है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और ये सारी चीजें मेजर होते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही आप छापेंगे तो उसका इफेक्ट कहीं और होगा। तो एक बजट होता है इकोनॉमी गवर्नमेंट का, वो आपके गोल्ड के ऊपर अफेक्ट करेगा, जो आपका स्टोर किया हुआ गोल्ड होता है। इंडिया का जो फिस्कल जो बजट होता है उसमें रेवेन्यूज है और एक्सपेंडिचर है, उसको बैलेंस करना है, और हमेशा डेफिसिट पे चलता है, और पूरी दुनिया देखती है कि डेफिसिट क्या कितने परसेंट तक है। अभी 3% का टारगेट है, चलो 3-3.5, बट द मोमेंट 4% आ जाएगा तो इट्स वार्निंग सिग्नल्स ना कि रुपी के रेट पे भी इफेक्ट होगा वो, और इंडिया के डॉलर रिजर्व, हर चीज लिंक्ड है। ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, और काफी दो चीजें जो है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट के पास दो ही हथियार है, या फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के हाथ में है और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के हाथ में, जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है। और आप ये जो बैंकों का तो बुरा हाल है, अभी आपने देखा होगा मुंबई का जो कॉर्पोरेटिव बैंक था, और वो जो पीएमसी पीएमसी, और उन्होंने कहा कि भाई साल में सिर्फ 1,000 रुपये आपको निकालने देंगे, ये मामला क्या है? शायद आज कुछ न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने आरबीआई ने उसको थोड़ा और यानी और थोड़ा डिपॉजिटर्स को और पैसे निकालने का ये परमिशन दिया है। बट ये कोऑपरेटिव बैंक है, काफ़ी छोटी बैंक है, आई थिंक इट्स अ लोकल बैंक, बट ये कभी भी हो सकता है आरबीआई के ही लेकिन बैंक एक, पे। एक फियर है लोगों के कि लोग सोच रहे हैं कि क्यों नहीं अपना पैसा हम निकाल कर रख लें। हाँ, एक व्हाट्सएप मैसेज घूम रहा था कि ये बैंक्स नहीं, ये तो आरबीआई ने कहा था कि रूमर है। देखिए, बैंकिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ द इकोनॉमी, और हमारा जो सिस्टम है वो कन्वेंशनल इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है, उसमें आरबीआई क्लोजली मॉनिटर्स, और आरबीआई एक बहुत अच्छी सेंट्रल बैंक है, काफ़ी उनके पास अच्छे सलाहियत है। बट आपने जो कहा कि बैंक्स का हाल बुरा है, बात आपकी सही है, इंडियन बैंक्स और शैडो बैंक्स जैसे एनबीएफसीज कहते हैं, इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कई यानी शायद हजारों की तादाद में है, लेकिन बड़े बस गिने चुने हैं, जैसे बजाज नहीं, आप देख लीजिए, बड़े भी हर छोटी चीज़ पे पैसा लेना शुरू कर दिए हैं। 3 बार से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये कट है, इसमें ये लग रहा है, तो ये जो पहले जो नहीं था 2-3 साल पहले, ये सारे हालात इसी को बताते हैं कि आपके भी हालत अंदर हाँ, उनका उनके उनके बैलेंस शीट स्ट्रेस्ड हैं, एनपीएस बढ़ रहे हैं, एनपीए जो परसेंटेज है, ओवरऑल एनपीए परसेंटेज जो बढ़ रहा है, और कुछ बैंक्स का तो बहुत बुरा हाल है। ये ज़्यादातर पब्लिक बैंक्स हैं, और गवर्नमेंट भी शायद इनके लिए कुछ पैकेज अनाउंस करेगी कि इनको रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा, ताकि दे कैन गेट मोर हेल्थी, एंड मे बी द गवर्नमेंट डाउन द लाइन माइट प्राइवेटाइज सम बैंक्स, पता नहीं है। लेकिन उन्होंने मर्जर का तो ऐलान किया है कि एक तो मर्जर हुआ है, बैंक्स को मर्ज कर रहे हैं वो। तो ऐसा, अब देखिए, जब आप बड़े लोगों का टैक्स माफ करते हैं, लोन माफ कर देते हैं, वो भी एक फैक्टर है, तो ओवरऑल ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को चलाने में फेल हुई है? आई थिंक दे आर वेकिंग अप फ्रॉम देयर स्लम्बर, जैसे बोलते हैं ना, नींद से वो उठ रहे हैं। और ये जो स्टेप कॉर्पोरेट टैक्स का, अगर शायद मैं इसके बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करता, या अगर टैक्स बेनिफिट देना था तो डायरेक्ट कंज्यूमर को देता, मिडिल क्लास की टैक्स रेट को, इनकम टैक्स रेट को कम करता, ताकि जो सैलरीड क्लास है उनके जेब में ज़्यादा पैसे आए, एंड उसके वजह से वो ज़्यादा स्पेंड करने लगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदे, दैट कुड हैव हैड अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, डिमांड बूस्ट होता। तो शायद ये स्टेप्स आने वाले हैं, जैसे मुझे सेंस लग रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नमेंट और भी कोई स्टेप्स अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि उनको फिक्र है, आई एम श्योर, कि अगर फिर ये नेक्स्ट क्वार्टर में भी जीडीपी ग्रोथ रेट 5% आ गया या उससे कम, तो काफ़ी अलार्म बेल्स रिंग होंगे इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था अगर सही से कैलकुलेशन करेंगे तो ये लेस देन 5% ऑलरेडी आ चुका है। हाँ, ये देखो, एक होता है कि नॉर्मल रेट, और एक होता है रियल, हर चीज़ का एक करंट प्राइसेस पे होता है, और एक टेक्निकल चीज़ है। हाँ, तो अगर उस पर आप देखेंगे तो इट कुड बी लेस देन 5%, लेकिन एग्जैक्ट फिगर्स गवर्नमेंट से भी नहीं पता चल रहा, डेटा तो उन्हीं के पास है। तो अब ये बताइए कि जब ऐसा हाल इंडिया का हो रहा है और
हर आदमी चाहेगा कि कैसे भी जीडीपी ऊपर जाए, क्योंकि हर इंसान का उसमें फ़ायदा है। उस वक्त गवर्नमेंट 3,000 करोड़ की स्टैचू बनाती है और एनआरसी के ऊपर इतना पैसा खर्चा करती है, तो कहीं आपको ये नहीं लगता है कि इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक्स लोग जो इसमें हैं उतने बुद्धिजीवी लोग नहीं बैठे हैं बीजेपी में, शायद इनको बाहर से हेल्प लेने की ज़रूरत है, लगता है क्या? पॉलिटिकल इससे मैं आई एम श्योर कि देखो क्यों हम बीजेपी की बात करें, लेट्स लुक फ्रॉम 1980s। आपको एक स्टेटिस्टिक बताता हूँ, 1980 लेट 70s 1980 तक इंडिया एंड चाइना लगभग सेम थे जीडीपी में, आप देख लीजिए ऑलमोस्ट सेम लेवल था चाइना और इंडिया का। पॉपुलेशन चाइना का थोड़ा बड़ा था, अभी भी थोड़ा इंडिया ओवरटेक करने वाला है, बट चाइना एंड इंडिया वर लगभग सेम। उसके बाद चाइना ने 5 times ज़्यादा ग्रो किया इंडिया से, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को सिंगल माइंडेड फोकस था इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है। बट वी लिव इन अ डेमोक्रेसी और इसमें जो फ़ायदा भी है और नेगेटिव्स भी है हम सबको पता है, तो ये इट्स अ फेलियर ऑफ द एंटर आई वोंट से इट, ये एक हमारा वी हैव टू लिव विद इट, ये हमारा ये है। बट या लुकिंग एट द गवर्नमेंट शुड नॉट होपफुली वर्क ऑन प्रिजर्विंग द लेट्स होप द सेक्युलर फैब्रिक कंट्री का वो कायम रहे और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हो, इंडिया का जो इकोनॉमी इम्प्रूव हो और हर तबके को आगे उठाए। नहीं, जितना यंग पॉपुलेशन यहाँ पे है शायद ही और किसी और नहीं, वो इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं और ये इंडिया का सबसे बड़ा जो है प्लस पॉइंट है, इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, और ये बाहर वालों को भी पता है, इसलिए वो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इंडिया में और कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो नेक्स्ट 20 years है ये इंडिया का गोल्डन पीरियड हो सकता है, क्योंकि जो यंग पॉपुलेशन आ रहा है ये काम करेंगे, ये कंज्यूम करेंगे, उनसे डिमांड होगा, उनके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे वो मिलेनियल्स वगैरह जो आ रहे हैं, तो द होल वर्ल्ड इज़ वेटिंग लुकिंग टू इंडिया टू फॉर्म अ सेल्फिश मोटिव कि यहाँ हम आके हम बिजनेस करेंगे। लेकिन हम जो यहाँ पे रहने वाले हैं हमारे लिए भी अच्छा खासा यू नो इफ़ द रिफॉर्म्स आर डन प्रॉपरली, जैसे अभी थोड़े बहुत रिफॉर्म्स करना है, लैंड रिफॉर्म्स करना है, लेबर रिफॉर्म्स करना है, ताकि यहाँ पे बिजनेस सेटअप करना ईजी हो। हम सबको पता है यहाँ बिजनेस सेटअप करने के लिए कितने लाइसेंसों का और कितना करप्शन है, कितने ब्राइब्स देने पड़ते हैं आज वो बिजनेस सेटअप के लिए है, इवन फॉर एक्सपोर्ट्स, आप यहाँ से चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो लॉट ऑफ कस्टम ड्यूटी, तो उसको थोड़ा ईजी आउट करना, उसको ईजी करना, लिबरलाइज करना है। जैसे 1991 में जो रिफॉर्म्स हुए थे 91-92 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में और जो मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर एक राउंड के रिफॉर्म्स हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आप बताइए कि इस वक्त लोगों को कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, क्योंकि लोगों का एक माइंड सेट है कि नहीं इकोनॉमी ख़राब है तभी रुको, ऐसा पैनिक कुछ होना चाहिए या सोच समझ के करना चाहिए? देखो आई थिंक बिजनेस तो हमेशा आपको करना है, सेटअप करना है, तो ये इट शुड नॉट बी सो रिलेटेड टू द इकोनॉमी। हाँ, अगर आप कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे कि जब डिमांड ही नहीं है आपके प्रोडक्ट का तो आप क्या उसमें कदम उठाएंगे, बट जनरली लोग खा रहे हैं पी रहे हैं आपको वो तो चलेगा, यू नो द लाइफ विल गो ऑन एज दे से। बट बिजनेस शुरू करने के लिए आपको पहले ये देखना है कि क्या बिजनेस सही है, क्या इसकी फीजिबिलिटी आपने किया है, आप इसके आपके पास पूरे लाइसेंसेस हैं या आपने इसका फाइनेंशियल स्टडी किया है कि ये डिमांड आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए है होगा, कंपटीशन क्या है, आपके मेन जो है स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, ये सब पहले आपको करना पड़ेगा। और आप जैसे समझो आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, वो टाइप का रेस्टोरेंट कहीं आसपास है नहीं है, तो आपकी क्या खसूसियत है और आप के पास कस्टमर क्यों आएंगे, कि आपका डिशेस का टेस्ट अच्छा है क्या है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ये मेन चीज़ है। अगर आपके बिजनेस के खुद के इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स हैं तो कोई भी बिजनेस, इकोनॉमी स्लो है फास्ट है, उससे कोई उतना ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ पूछूं कि अगर जो टीवी चैनल में जिस तरह की बातें चल रही है, थोड़ा आपके सब्जेक्ट से बाहर है समझने के लिए बात कर रहा हूँ, जो जिस तरह की यहाँ मार हो गया यहाँ पीट हो गई, इस चीज़ों को अगर हटा दिया जाए साल भर के लिए और हम सिर्फ बात करें इंडिया के बेहतरी के बारे में, हर टीवी चैनल इसके बारे में बात करें कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये करना चाहिए, तो आपको नहीं लगता है कि ये ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगा? क्योंकि लोगों के अंदर से एक डर जाएगा और जो पैसा लगा है लोग लगाएंगे और एक अच्छा रास्ता सामने नज़र आएगा। देखो डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं ना, इंडिया कैन 7-8% का 12-15% भी हो सकता है इंडिया का ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है, लोगों के अंदर सलाहियत है, वी ऑल नो दिस फैक्टर्स। और अगर हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड होगा,
और एक पीस होगा इन इन पॉलिटिकल लाइफ सोशल लाइफ में पीस है, रूल ऑफ लॉ फॉलो होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट हो. और अगर कोई स्पेशली बिजनेस की बात आप जब कर रहे हैं, कोई अगर कोई फ्रॉड हो, कोई लॉस हो, किसी ने चीट किया हो, तो फौरन उस पर एक्शन लिया जाए. इसके लिए हमारे जो जुडिशियल सिस्टम भी सही काम, जल्दी जस्टिस दे. हाँ, ये सारी चीज़ें अगर रिफॉर्म होगा और हमारी जुडिशरी, हमारी पुलिस फोर्स, हमारी गवर्नमेंट और हम सब वी बिकम गुड सिटीजन्स एंड वी फॉलो द लॉ, पे द टैक्सेस वगैरह, डेफिनेटली इंडिया विल ग्रो वेरी. इतना पोटेंशियल हमारे देश में है. डेफिनेटली. ठीक है, तो अब लास्ट में बात करेंगे हम आपसे गोल्ड के बारे में. अब ये बताइए कि ये जो वक्त है, इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो बात आपसे पूछने से पहले मैं थोड़ी सी रोशनी, आपको खैर पता होगा, मैं जैन में अगर आप देखते हैं इसी साल के जनवरी में, तो 32,900 के रे 32,900 रुपीज़ के 24 कैरेट गोल्ड, 10 ग्राम गोल्ड का रेट था. ये तकरीबन आप मई तक ऑलमोस्ट सेम था, 32,500 चल रहा था 10 ग्राम 24 कैरेट. अब जो जून जुलाई अगस्त में सडनली जंप किया और ये रेट चला गया 40,330 रुपीज़ 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का, और आज का रेट अगर आप देखते हैं तो 38,300 पे आके रुका है. ये सिचुएशन में जो लास्ट 3 मंथ में ऊपर गया फिर आके एक लेवल पे रुका है, तो क्या ये टाइम सही है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं, हमेशा कोई चीज़ पे इन्वेस्ट करना है, सिर्फ गोल्ड की बात नहीं है, कोई भी एसेट पे आप देख लें, रियल इस्टेट पे देख लें, स्टॉक मार्केट में देख लें और गोल्ड में देख लें. आपको हमेशा मैं आपके व्यूअर्स को सलाह दूंगा कि लॉन्ग टर्म व्यू देखें, डोंट लुक एट शॉर्ट टर्म, डोंट लुक एट द नेक्स्ट 1-3 मंथ्स. एक साल भी शॉर्ट टर्म है. आप अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे, पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से आप गोल्ड की परफॉर्मेंस देखेंगे, 15 साल से गोल्ड की परफॉर्मेंस देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको रिटर्न बहुत बेहतरीन मिला है. ऑलमोस्ट स्टॉक मार्केट से भी कम्पीट किया है गोल्ड ने. तो इट्स डेफिनेटली, क्योंकि गोल्ड के अंदर खसूसियत यह है, गोल्ड सिल्वर ये करेंसी है फ्रॉम हिस्टोरिकल टाइम्स, और हम कुरान मजीद में भी इसका जिक्र किया गया, तो दे होल्ड देयर वैल्यू. आप इन्फ्लेशन, आपको पता है इन्फ्लेशन जो पैसों का वैल्यू कम करता है, लेकिन गोल्ड सिल्वर हमेशा अपनी वैल्यू कायम में रखेंगे, क्योंकि ये असल करेंसी है, परचेजिंग पावर इसका कायम रहेगा, एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. हाँ, लेकिन आपको इससे रिटर्न नहीं मिलेगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा, बट उसका जो रेट जो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा और उसके कई फैक्टर्स हैं. जैसे जो गोल्ड का रेट इंटरनेशनल रेट है, आपको पता है ये इंडिया में सेट नहीं होता, हालांकि इंडिया वन ऑफ द मेजर कंज्यूमर्स है, इंडिया में जो डिमांड्स है ऑलमोस्ट फर्स्ट या सेकेंड है चाइना और इंडिया का, बट इसका रेट न्यूयॉर्क में सेट होता है, लंदन में, हांगकांग में, और इसके कई फैक्टर्स है, जैसे आपको अभी पता है यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है गोल्ड. अगर यूएस और चाइना में सुलह हो गया और वो अपना जो टैरिफ वॉर बंद करते हैं, तो गोल्ड का रेट कम हो जाएगा. अगर वो ज़्यादा उसमें टेंशन आएगी तो रेट बढ़ जाएगा. इसी के साथ जैसे मिडल ईस्ट में टेंशन हो रहा है, वो भी गोल्ड पे इम्पैक्ट हो रहा है. तो कई फैक्टर्स होते हैं और शॉर्ट टर्म में ये नॉइज़ है, काफ़ी नॉइज़ होगा. आप लेंगे, हो सकता है आप 38,000 पे लेके फिर 36 हो, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए. आपने लिया एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के कि इट विल गो अप, और इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में जाएगा ही ऊपर. जाएगा तो जाना ही है. अच्छा, तो अब ये बताइए कि जो लोग अपने सेविंग में पैसे रखते हैं, जो लोग या रिटायर हो गए हैं या कुछ लोग पैसा बचा के रखे हैं, वो कैश में बैंक में रखना चाहिए या फिर गोल्ड खरीद के रखना चाहिए? क्योंकि इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि डॉलर का रेट आप देखेंगे तो दिन पे दिन ऊपर ही जा रहा है, तो उस वक्त आप कंपेयर करेंगे तो अपने पैसे का जो वैल्यूएशन है नीचे आ जाता है. ठीक है, तो गोल्ड में वो सेविंग रखना ज़्यादा अच्छा है या फिर कैश में ही बैंक में पड़ा रहे वो ज़्यादा अच्छा है? देखो, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए. थोड़ा आप डॉलर में रखे, थोड़ा आप अपने रुपीज़ में रखे, क्योंकि आपको रुपीज़ ज़्यादा चाहिए, आप इंडिया में रह रहे हैं. नहीं, डॉलर में नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर पैसा एक्स्ट्रा है तो गोल्ड खरीद के रखे तो ज़्यादा अच्छा है या कैश में रखे अपने इंडियन में? थोड़ा आप डाइवर्सिफाई, कुछ कैश में रखे, कुछ गोल्ड में रखे, क्योंकि ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आप पैसे सेव करें. आपका जो इनकम है उसमें से आप कुछ हिस्सा, चाहे जितना भी हो, 10%, 20%, 30%, जनरली इंडिया का सेविंग्स रेट बहुत हाई है, यानी यहाँ की पॉपुलेशन 30% से ज़्यादा सेव करती थी. अब पता नहीं अब लेटेस्ट फिगर्स क्या है, बट अगर आप अपना इनकम सेव करेंगे ना, तो सेव करने, सेविंग इज़ नॉट ईजी. जब आपके पास इनकम है तो आपको पता है ना, न्यू जनरेशन स्पेशली वो पूरा खर्चा कर देते हैं, खर्चा और क्रेडिट कार्ड पे लोन भी लेते हैं और दे स्पेंड मोर देन दे अर्न, बट द मेन थिंग इज़ टू सेव मनी
एंड हाउ यू सेव मनी इज़ द डिसिप्लिन. आप जाहिर बात है आप बैंक में रखेंगे तो यू शुड नॉट टच दैट अमाउंट. अनदर थिंग यू कैन डू, जैसे मैं खुद एक चिट फंड चलाता हूँ तो चिट फंड में सेविंग होता है. आप एक स्कीम में ज्वाइन कर ले, मंथली मंथली उसमें डाले और एक लमसम आपको एक अमाउंट मिल जाता है जी. उसके तरीके अलग हैं, एक हलाल तरीका है जो हम यूज़ करते हैं, बट दे अदर नॉन दे अदर्स आर इंटरेस्ट बेस्ड, तो एक अलग मौजू है. बट यू शुड सेव एंड व्हाट यू सेव यू शुड इन्वेस्ट. जैसे आप गोल्ड में कुछ डालें, शेयर मार्केट को भी मैं प्रमोट करूँगा क्योंकि जैसे उलेमा भी इसमें इजाज़त देते हैं पर दे आर सर्टन कंडीशन, शरिया कंडीशन, उसको आप वो एक शायद एक अलग टॉपिक होगा. तो शेयर मार्केट का फिर से बात करेंगे किसमें कर सकते हैं किसमें नहीं कर सकते. डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट. कुछ थोड़ा रियल एस्टेट में तो लगाते हैं लोग, हर एक आदमी कोशिश करता है कि सबसे पहले मेरा घर अपना खास घर हो. बट डेफिनेटली गोल्ड, और एक जो बहुत बड़ी बेनिफिट है गोल्ड की, इट इज़ द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. आप जब चाहे उसको बेच सकते हैं, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो गोल्ड में किया जा सकता है, किया जा ठीक. अगर पैसा एक बार सेविंग है तो मिक्स करके रखिए, आधा उसमें आधा. हाँ, डाइवर्सिफाई करें डिफरेंट एसेट्स में और एक सेविंग करने का कल्चर आप शुरू कीजिए. तो लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे सजेशन? यही कि जनरली जो यू नो फ्रॉम अ कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है जी. और इसमें मैं नोट करता हूँ कि स्पेशली आर कम्युनिटी इज़ लैकिंग ऑन इट. वी शुड रीड अ लॉट ऑफ बिजनेस न्यूज़, फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इन द इकॉनमी. और किसी चीज़ का भी डाउट है तो अभी गूगल करके उसका डेफिनेशन मालूम कर सकते हैं. और हमको इतना, क्योंकि पैसा जो है हर एक को टच करता है, आप मर्द हो या औरत हो, बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, हर एक को पैसों के साथ डीलिंग करना है. तो क्यों ना इसके बारे में सीखें थोड़ा. हाँ, व्हाट इज़ द इश्यूज़ टुडे, आज के हालत हाजरा में क्या इश्यूज़ हैं इकॉनमी के, थोड़ा पढ़ने पे मालूम होगा. और इंशाल्लाह वी आर हैप्पी टू, आई एम हैप्पी टू शेयर मोर इन्फॉर्मेशन. तो थैंक यू वेरी मच गिविंग द इनपुट ऑन ऑल दिस थिंग. दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा कि नेक्स्ट जो हम बात करेंगे ये शेयर मार्केट में, किस से मार्केट में, किस शेयर में हम पैसा डाल सकते हैं, किस में नहीं डाल सकते हैं जी. तो शायद इंशाल्लाह उस पर हम नेक्स्ट बात करके लोगों को बताने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक.